नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आहलूवालिया, बेरियाट्रिक मेटाबॉलिक एंड एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेरियाट्रिक सर्जरी की एक टाइप जिसे हम लैप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में LSG। LSG आजकल मोस्ट कॉमन सर्जरी है वर्ल्ड ओवर एज वेल एज इंडिया में इन टर्म्स ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरीज। ये बाकी किसी भी टाइप ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी से आजकल ज़्यादा कॉमन है, इसके कई सारे रीजंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग द वीडियो। लेकिन किसी भी बेरियाट्रिक सर्जरी को समझने से पहले मेरे ख्याल से आपको पहले नॉर्मल डाइजेशन समझनी चाहिए कि खाना किस तरह से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और इसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरीज हमारे वेट लॉस को कैसे करती हैं और कैसे वो हमारे बाकी मोटापे से जुड़ी हुई बीमारियों से हमें निजात दिलाती हैं। सो, हम जब खाना खाते हैं तो हमारे मुंह से वो एक फूड पाइप के ज़रिए हमारे पेट के अंदर एक थैली शेप के ऑर्गन जिसे हम स्टमक कहते हैं उसमें जाके खाना स्टोर होने लगता है। और जैसे जैसे हम खाना खाते जाते हैं ये एक थैली शेप ऑर्गन स्टमक धीरे धीरे भरता जाता है, और हम तब तक खाना खाते हैं जब तक ये ऑलमोस्ट फुल नहीं हो जाता। सो, जब ये फुल हो जाता है उसके बाद चाहे आपके सामने आपकी फेवरेट डिश भी बड़ी हो वो भी आपको अच्छी नहीं लगेगी और आप उसके बाद खाना खाना बंद कर देंगे। सो, ये सारा फिनोमेना बेसिकली हार्मोन बेस्ड है। स्टमक के सबसे ऊपरला हिस्सा जिसे हम फंडस बोलते हैं उस हिस्से से कुछ हंगर हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है ग्रेलिन हार्मोन। सो, अगर आप ध्यान से सोचें तो भूख एक्चुअली हमारे ब्रेन में लगती है। अगर आपने सुबह खाना प्रॉपरली नहीं खाया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो लंच टाइम तक आते आते आपका मन आपके काम में नहीं लगेगा और आप सब काम छोड़कर खाना ढूंढने लगेंगे। आपका ब्रेन आपको फोर्स करेगा कि अब बाकी सब काम सेकेंडरी हैं, पहले आप अपना पेट भरिए। और जैसे जैसे आप पेट को भरने लगेंगे ये ग्रेलिन हार्मोन्स के लेवल कम होते जाएंगे, आपका खाने की तरफ इंटरेस्ट कम होता जाएगा, और जब स्टमक भर जाएगा तो आप फिर से खाने से आपको एवर्जन हो जाएगी, आप अपने दूसरे काम की तरफ फोकस करने लगेंगे। तो जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता है हमारे सभी बॉडी ऑर्गन्स पे लोड बढ़ता है। हमारा हार्ट जो नॉर्मल वेट के लिए बना है, अगर वेट ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा काम करना पड़ता है और उससे उसका साइज़ कुछ हद तक बढ़ जाता है। इसी तरह बाकी ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, ओवरवर्क होने की वजह से इनका भी साइज़ नॉर्मल से कुछ हद तक बढ़ जाता है, और इसी तरह हमारे स्टमक का साइज़ भी पहले से बढ़ जाता है। इसका फंडस और बड़ा हो जाता है, हार्मोन्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब आपका वेट एक लिमिट से बढ़ जाए यानी 32.5 से अगर BMI ज़्यादा है तो इन हार्मोन्स का इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रांग होने की वजह से डाइटिंग और एक्सरसाइज का इफ़ेक्ट आप पे कम होने लगता है। आप उतना अच्छा वेट लॉस नहीं कर पाते जितना कि कुछ ओवरवेट लोग कर पाएंगे जिनका BMI अभी इतना ज़्यादा नहीं है, और इसीलिए बेरियाट्रिक सर्जरी इंडिकेटेड है अगर आपका BMI 32.5 से ज़्यादा हो रहा है। अब हम जानेंगे कि स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कैसे हेल्प करती है वेट लॉस में। सो, इस ऑपरेशन में ऑपरेशन के टाइम में हम पेशेंट के मुँह से एक बूजी डालते हैं जो एक पाइप की तरह है जो स्टमक के मीडियल साइड या लेसर कर्वेचर की साइड रखा जाता है, और ये डिटरमिन करता है कि हमें कितना स्टमक चाहिए। जितना ये बूजी का साइज़ है उतना हम स्टमक छोड़ देते हैं, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा स्टमक है उसको रिमूव कर दिया जाता है, और इसके साथ साथ स्टमक का जो ऊपर वाला हिस्सा जिसे हमने फंडस बोला जिसमें से हंगर हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं वो सारा का सारा रिमूव कर दिया जाता है। तो इससे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होंगे। सबसे पहले तो स्टमक का, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा रिमूव हो गया तो हंगर हार्मोन्स बहुत कम हो जाएंगे। नेक्स्ट डे आपको भूख बहुत कम लगेगी और आप हमेशा अच्छा फील करेंगे। आपको हंगर पैंग्स या पहले की तरह जो भूख से अंदर घुटन महसूस होती थी वो नहीं होगी। सेकेंडली, अभी स्टमक की कैपेसिटी कम होने से थोड़ा सा खाना खाने से ही आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आपने प्रॉपर प्लेट भर के खाना खा लिया जितना आप चाहते थे, तो आपको कभी भी डिप्रिवेशन की फीलिंग नहीं आएगी कि मुझे भूख ज़्यादा है और मैंने कम खाना खाया है। जितना भूख है उतना ही पेशेंट खा पाएगा और हमेशा अच्छा फील करेगा कि जैसे मेरा पेट भरा हुआ है। थर्डली, ऑपरेशन से पहले स्टमक का साइज़ बहुत बड़ा होने की वजह से खाना उसमें बहुत देर पड़ा रहता था और वो शरीर में अब्सॉर्ब होता था, लेकिन अब ऑपरेशन के बाद स्टमक का साइज़ छोटा होने की वजह से खाना बहुत जल्दी स्टमक से निकल कर छोटी आंत में जाएगा
और उसका ट्रैवल टाइम फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका शरीर में एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा और साथ ही साथ इसके साथ बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होंगे, जिससे सिर्फ वेट ही कम नहीं होगा, मोटापे से जुड़ी हुई बाकी बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, जॉइंट्स का दुखना, कोलेस्ट्रॉल, सांस चढ़ना, पैरों में सूजन आना, फैटी लीवर होना, पॉलीसिस्टिक ओवरीज होना, इन सब बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिलेगा या ये पहले से बहुत बेटर हो जाएंगे। स्लीव के अपने कुछ स्पेसिफिक एडवांटेजेस हैं। इसमें खाना अपने नॉर्मल रास्ते से ही जाएगा, हम छोटी आंत का कोई भी हिस्सा बाईपास नहीं करेंगे। इसकी वजह से इवन दो आप खाना कम खा रहे हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। आयरन डेफिशिएंसी होने का चांस भी बाईपास के मुकाबले कम रहेगा। सो ये एक स्पेसिफिक एडवांटेज है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में, और इसी वजह से अनमैरिड फीमेल्स या वो फीमेल्स जिनको अभी प्रेगनेंसी लेनी है उनमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी प्रेफर किया जाता है, और उन पेशेंट्स में जिनमें सर्जरी का रिस्क ज़्यादा माना गया है, जो हाई रिस्क सर्जरी कैंडिडेट्स हैं, उनमें भी स्लीव गैस्ट्रेक्टमी प्रेफर की जाती है, क्योंकि ये देखा गया है कि इसमें रिस्क बाकी ऑपरेशंस के मुकाबले कम है, ये जल्दी परफॉर्म की जा सकती है, इसका ऑपरेटिव टाइम भी कम है। इसके अलावा हम किन पेशेंट्स में स्लीव गैस्ट्रेक्टमी प्रेफर करते हैं, हर एक सेंटर के अपने अपने क्राइटेरियाज़ हैं, लेकिन जो ब्रॉड क्राइटेरियाज़ हैं कि अगर पेशेंट का BMI 45 से कम है, उसको डायबिटीज़ नहीं है, उन पेशेंट्स में हम प्रेफरेबली स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ का रेजोल्यूशन बाईपास में ज़्यादा देखा गया है एज़ कम्पेयर टू स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। जिन पेशेंट्स में BMI 45 से ज़्यादा है, उनमें भी वेट लॉस बाईपास में बेटर देखा गया है एज़ कम्पेयर टू स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, सो उनमें भी बाईपास प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर BMI 45 से कम है, बाकी सभी फैक्टर्स फेवरेबल हैं, एंडोस्कोपी नॉर्मल है, रिफ्लक्स डिजीज़ नहीं है, तो उसमें स्लीव आराम से यूजुअली की जा सकती है। पेशेंट का डाइटरी कंप्लायंस भी ज़रूरी है। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में आप जितना भी खाना खाएंगे वो 100% एब्जॉर्ब होगा, सो आपको एक स्ट्रिक्ट डाइटरी एडवाइस फॉलो करनी पड़ेगी। यूजुअली जो हेल्दी खाना घर में बनता है वही खाना हम एडवाइस करते हैं, थोड़ा सा प्रोटीन का कॉन्टेंट ज़्यादा रखना है और एक मिनिमल लेवल ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी लाइफ लॉन्ग मेंटेन करके रखनी है, ताकि आपका वेट अच्छा बना रहे। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द वे जाकर ज़्यादा मीठा लेंगे, हार्ड लिकर लेंगे, हार्ड ड्रिंक्स लेंगे, स्नैक्स लेंगे, तो वो आपके बॉडी में स्लीव में 100% एब्जॉर्ब होगा और उससे आपको वेट रीगेन की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन दैट डजंट मीन के वेजिटेरियन पेशेंट्स में मिनी गैस्ट्रिक बाईपास नहीं की जा सकती। हम MGB का बाईपास का हिस्सा कैलकुलेशन जो है वो पेशेंट्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, और बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जो वेजिटेरियन पेशेंट्स ले सकते हैं और अपनी लाइफ ठीक तरह से बिता सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी नहीं करना चाहेंगे, जैसे कि अगर एंडोस्कोपी में हाइटस हर्निया आ रहा है, यानी कि जो आपका स्टमक का निचला हिस्सा है वो स्लिप होकर कुछ हद तक चेस्ट में आ गया है, तो इस कंडीशन में स्लीव गैस्ट्रेक्टमी प्रेफरेबल नहीं है। या रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस सवेयर है, या एक बीमारी है जिसे हम बैरेट्स ईसोफेजाइटिस के नाम से जानते हैं, अगर ये कंडीशंस हैं तो इनमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी अवॉइड की जाती है, क्योंकि स्लीव के बाद जो स्टमक का लोअर पोर्शन, जो लोअर वैल्व है, वो पेटेंट रहता है। इन कंडीशंस में स्लीव गैस्ट्रेक्टमी अवॉइड की जाती है, क्योंकि स्लीव के बाद स्टमक में प्रेशर ज़्यादा रहता है, क्योंकि स्टमक के दोनों वैल्व ही इसमें काम करते हैं, ऊपर वाला एज वेल एज नीचे वाला, और प्रेशर ज़्यादा के होने की वजह से एसिड चेस्ट में जा सकता है। अगर ऑलरेडी आपको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, या हाइटस हर्निया है, या बैरेट्स ईसोफेगस है, तो ये प्रॉब्लम्स स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के बाद बढ़ सकती हैं। सो जो मैंने एडवांटेजेस पहले आपको बताए, उनकी वजह से स्लीव गैस्ट्रेक्टमी वर्ल्ड में नंबर 1 पे है पिछले 5-6 सालों में, और इंडिया में भी ये नंबर 1 पे बना हुआ है पिछले अराउंड 5-6 ईयर से, क्योंकि ये रिलेटिवली सेफ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है, पेशेंट्स को भी ये सेफ दिखता है, सर्जन्स को परफॉर्म करने में भी ये ईजियर है, सो इसीलिए दिस हैज़ बिकम द मोस्ट कॉमन सर्जरी। बट दैट डजंट मीन के इसमें सब कुछ पॉजिटिव है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो स्लीव के लिए पेक्यूलर हैं, जैसे कि स्लीव में जितना भी खाना है वो सारा नॉर्मल रास्ते से जा रहा है, सो आफ्टर सर्जरी अगर आप खाने का ध्यान नहीं रखते, आप जो हम हेल्दी फूड बता रहे हैं उसको नहीं लेते,
और उससे डाइवर्ट करते हैं, तो वेट रीगेन की प्रॉब्लम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में बाईपास के मुकाबले कुछ हद तक ज़्यादा देखी गई है। इसी तरह डायबिटीज़ का रेजोल्यूशन बाईपास में स्लीव गैस्ट्रेक्टमी से बेटर देखा गया है। सो इसीलिए अगर पेशेंट्स को डायबिटीज़ है तो बाईपास प्रेफर किया जाता है ओवर स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। इसी तरह टोटल वेट लॉस बाईपास में बेटर होने की वजह से अगर BMI 45 से ज़्यादा है तो उन केसेस में भी स्लीव ना प्रेफर करके बाईपास प्रेफर किया जाता है ताकि आपको एक अच्छा वेट लॉस मिले और वो लॉन्ग टर्म रहे। लेकिन अगर BMI 45 से कम है तो स्लीव इज़ अ गुड ऑप्शन। आई होप कि ये वीडियो देख के आपके दिमाग में पहले से ज़्यादा क्लैरिटी होगी स्लीव गैस्ट्रेक्टमी को लेकर। और इसके अलावा हमारे डिफरेंट वीडियोस हैं बाकी प्रोसीजर्स को लेकर, वेट लॉस को लेकर, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप हमारे दिए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, हमें इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हमारे सेंटर को विज़िट कर सकते हैं। एंड वील बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।